तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया, तुमने मुझे इतनी तकलीफ दी। ठीक है तो ठीक क्या हुआ? हम बैठ कैसे दो हिस्से तो कर सकते हैं ना? अब बैठ का वो एरिया तुम्हारा और ये साइड में। कभी कभी समझदारी वाली बात भी कर लेते, थोड़ा दिमाग तो है तुम में। दिमाग को करना बंद करो। क्या लो अब तुम हमें पहना गजब।
थोड़ा बहुत जो भी है वरना इतनी बड़ी मुश्किल तुमने तो इतनी बड़ी मुश्किल ऐसा ऐसे चुटके में तुम तो मेरी तरह एस प्लस स्नात में थी तो है अब जरा इसी बात पे मिलाओ एच से हैंड और एच से हाथ हाथ एक्चुअली हम लोग दोनों बहुत ड्रिंक करके आए हैं बाहर से. एक सीन गया इससे पहले जहाँ हम लोग रेस्टोरेंट में बैठ के ध्रुव और श्रद्धा की इयररिंग्स का वेट कर रहे थे. तो वहाँ कॉकटेल मॉकटेल कन्फ्यूज होने रहता है एज सच आप सब जानते हैं बिहान ज़्यादा पढ़ा लिखा है नहीं तो कॉकटेल मॉकटेल ऐसा कुछ मंगाता है तो और वो वन सेकंड एक्चुअली ये सीन कुछ ऐसा है जहाँ मैं और थपकी दोनों रेस्टोरेंट में बाहर बैठे हैं और ध्रुव और श्रद्धा की रिंग्स का वेट कर रहे हैं जो उनकी सगाई की रिंग्स आने वाली हैं वो मुझे लेकर आनी थी. तो हम दोनों बैठकर बाहर रेस्टोरेंट में वेट कर रहे हैं और वहाँ हम दोनों कॉकटेल मॉकटेल के कन्फ्यूजन में आकर ड्रिंक पी लेते हैं और एक दूसरे को टशन लुक में और वन गो में सात आठ ड्रिंक दोनों पी लेते हैं. अब दोनों हैप्पीली हाई भी हैं मस्त वाले और चुपचाप उसके बाद घर भी आए हैं. एक रास्ते में उससे अच्छा सीन गया एक बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा थोड़े टाइम में. और साथ में जब घर पहुंचते तो सबसे पहले तो घर में चौंकाना कि कोई है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं सबको ढूंढते देखते चुपचाप अपने कमरे तक पहुंचते हैं तो मैं ताकि ये ज़्यादा शोर ना करे इसका अपना दोनों का बिस्तर लगा के बैठ के रेडी हो जाता हूँ मतलब कि हाँ आएंगे और चुपचाप सो जाएंगे. बट फिर मैडम को कॉकरोच दिख जाता है और मैडम फिर भाग के आती हैं और ना चाहते हुए भी हम दोनों को एक ही बेड शेयर करना पड़ता है. बीच में एक थ्रेड लेके हम दोनों उसका आधा आधा हिस्सा कर देते हैं कि ये हिस्सा उसका ये हिस्सा उसका. बस यही सीन है. अब एक ही बेड पे सोने का स्ट्रगल चल रहा है. अभी जो कॉकरोच वाला सीन आपने बताया तो आपको रियल लाइफ में कैसा लगता है? तो आपको कॉकरोच से डर लगता है? नहीं 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 मुझे नहीं लगता थपकी को ही लगता है लेकिन अब वो सीन की डिमांड तो मुझे भी ऑफ ऑफ करना. तो आपको रियल लाइफ में किस चीज़ से डर लगता है? डर अभी तक जिन जिन चीज़ों से मेरा सामना हुआ है जिन जिन से डर था वो सब तो डर खत्म हो गया. और मेन बेसिक डर देखा जाए तो मुझे मेरे पापा के अलावा किसी का नहीं लगता. तो आपको कोई फेवरेट है? जो अमित सर कोर्स अमिताभ जी मेरे सबसे फेवरेट सर हैं और नॉट इवन सिर्फ लेकर वाले में ही अदरवाइज सब में वो मेरे बहुत फेवरेट हैं. उन्होंने जो आज तक शराबी मूवीज़ और ये सब जो मेरे पापा की बहुत फेवरेट थी और कम से कम महीने में 4-5 बार तो मेरे पापा देखते थे साथ में मैं भी देखता था तो क्रेज़ तो बचपन से था ही खैर. और जब देखने को मिलता था और फिर पापा बताते थे कि इन्होंने आज तक एक बूंद भी नहीं पी है रियल लाइफ में तो ये बहुत अच्छी चीज़ लगती थी कि बिना दारू पिए जब अमिताभ जी इतनी अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं तो हम तो फिर भी कभी कभी सीख ही रहे हैं. बाकी दारू ऐसी एक्टिंग मेरे से अच्छी देखो कौन करता है ऐसी एक्टिंग करती है पता नहीं ये कैसे कर लेती हैं कुछ समझ में नहीं आता. नहीं मैंने दारू नहीं पीती है बिल्कुल भी नहीं. नहीं पीती नहीं लेकिन एक्टिंग बड़ा एक्टिंग वैसे अमित जी भी नहीं पीते थे लेकिन एक्टिंग अच्छा करते थे. अमित जी के बाद अच्छा पति से गुड़ा गए पत्नी को. आई थिंक ये हमारे राइटर्स ने यू नो मेरी रियल लाइफ को देख कर लिखा है चीज़ बिकॉज दे नो मुझे जितने भी ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो चलते हैं ज़मीन पर ऐसे सांप और सबसे ज़्यादा हमारे सेट पे वो निकलता है सेंटीपीड जिसके 100 पैर होते हैं वो मुझे जब अगर वो आ गया मेकअप रूम में तो मैं नहीं बैठ सकती वहाँ पर मतलब इट्स लाइक सो स्केयर मतलब कॉकरोच दिख गया ये मैं पूरे सेट पे इतनी बार कॉकरोच का और कॉकरोच वाले सीन्स में हमारे साथ ये होता है कि असली का कॉकरोच मंगवाओ थपकी के लिए और मैं तो कहती हूँ आई एम नॉट शूटिंग टुडे मैं नहीं आऊँगी शूट करने. आज का कॉकरोच नकली था और इन्होंने असली मतलब मैं असली का समझ गई थी इन्होंने मेरे यहाँ रख दिया था शॉर्ट से पहले कॉकरोच पता नहीं था. मेरी दूसरी ऑफ कोर्स इसकी पहली है शायद ना बॉम्बे. हाँ मेरी फर्स्ट है
मेरी फर्स्ट दिवाली है बॉम्बे में एंड फाइनली मेरे मॉम डैड भी मेरे साथ में ही है दिवाली पे, सो इट्स लाइक इट्स गोइंग टू बी वेरी 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 एक्साइटिंग. और बहुत सारी चीज़ें करनी है. दो मैं पटाखे नहीं चलाती हूँ, क्रैकर्स बिल्कुल भी नहीं चलाती हूँ, एकदम शांत दिवाली. या इस बार क्योंकि हमारे साथ सेट पे इतने सारे हमारे फ्रेंड्स बन चुके हैं, यहाँ पर ये एक फैमिली बन चुकी है, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन फैमिली हो चुकी है, तो इट्स लाइक हम लोग पहले से ही प्रिपरेशन करने वाले हैं. क्या कहते हैं ज़्यादा, मतलब अगर क्रैकर्स आप टीआरपी से गिरे तो फिर तो हम इतने जलाएंगे कि कहीं हमारा सेट ना हो, क्योंकि टीआरपी की खुशी तो हमें बहुत ज़्यादा होती है. बट सीरियसली हम लोग से एनवायरनमेंट से बहुत प्यार करते हैं, थोड़ा थोड़ा फुलझड़ी फुलझड़ी जला के पूजा वूजा करके. एंड बेसिकली वी फील लाइक डेली डेली ही ये दिन सेलिब्रेशन का है. अगर टीआरपी बढ़ रही है, शो अच्छा चल रहा है, तो डेली ही हम सेलिब्रेट करते हैं इस चीज़ को कि हाँ जितनी हम मेहनत कर रहे हैं लोग उस चीज़ को उतना पसंद कर रहे हैं, और हम चाहते हैं आगे भी आप ऐसे ही पसंद करते रहिए थपकी को, इन थपकी प्यार की, बिहान को इन थपकी प्यार की.